अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम आपकी आवाज। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? कौन सा, आप कहाँ से, नाम बताएं जरा अपना। यूके तो, जी लेकिन मैं एक पैगाम देना चाहना अपने बाजवा साहब नू और अपनी अदलिया में चीफ जस्टिस साहब नू। जी जी दें जनाब। मैं पहला था अपने अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब, मोहम्मद रफीक यूके तो। अल्लाह ताला ने आपको पाकिस्तान की 7 लाख फौज का सिपा सलार बनाया है, लेकिन उसका आपने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैं अमेरिका को इतना साजिश का जुम्मेदार नहीं समझता जितना आपको, क्योंकि आप और चंद जर्नैलों ने मिलकर साजिश को कामयाब कराया और अदारों से गलत काम कराए। आवाम सब जानते हैं, लेकिन आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अब भी वक्त है, अल्लाह ताला के खौफ से डरे, और जब आप कब्र में जाएंगे तो अकेले को असार देना पड़ेगा। ये पाकिस्तान आपका और चंद जर्नैलों का नहीं है, जितना आपका है इतना ही हर पाकिस्तानी का है। अगर आप इसी तरह अदारों से अवाम पर जुल्म कराते रहे, वो वक्त दूर नहीं कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेवाज है। अवाम आपको और आपके बच्चों को पकड़ कर असाब लेंगे। अवाम को मजबूर न करें। आपने जिस मुल्क के साथ मिलकर साजिश की है, अगर उस मुल्क को कहें आप अपने मुल्क पर ऐसे चोरों और डाकुओं की हुकूमत मुसल्लत करने दोगे तो आपको क्या जवाब देंगे वो? अभी वक्त है, अगर पाकिस्तान बचाना है, सब गलत काम करवाने बंद करो और इंसाफ के साथ इलेक्शन कराओ जो आवाम को नजर आए। और मैं अदलिया को, चीफ जस्टिस को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, आप फैसले कानून और आईन के तहत करें, इनके प्रेशर में ना आए। क्या आप जज भी हैं? आप पाकिस्तानी भी हैं, आपको सब मालूम है। आप भी नोट्स लें और इन सबको इंसाफ के कटहरे में लेकर आए, वरना मुल्क में खाना जंगी लग जाएगी। जुम्मादार आप और बाजवा और चंद जरनैल होंगे। खुदा का वास्ता, अभी भी वक्त है, मिल बैठकर इन चोरों डाकुओं से मुल्क की जान छुड़ाएं। शुक्रिया। जाने, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बड़ी ना जी, ये कल के फोन कर रहे थे मुझे, अभी मैंने इन्हें कर लिया लाइन पे, सुन लिया आपने पैगाम। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम।